सर डिस्प्ले कटिंग कर रहे हैं, टच निकाल रहे हैं सर। ये टच निकाल रहे हैं, टच और डिस्प्ले दोनों को अलग कर रहे हैं। अच्छा, ये मशीन क्या बोलते हैं, मशीन को, मशीन को स्क्रीन, स्क्रीन सेपरेटर, स्क्रीन सेपरेटर। अच्छा, ये देखिए एक बार हो गया, अभी और एक बार करते हैं और एक बार में हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग दूसरा क्लास लगाएंगे। अच्छा, तो नया क्लास निकल गया, दिखाओ इसको। ये रहा सिर से, ये रहा हमारा टच और ये रहा डिस्प्ले, दोनों अलग अलग कर दिए। लाइक करें, शेयर करें, और अभी इसका ये सब सब निकालेंगे, जितना भी सब चीट सब लगा हुआ है सब निकालेंगे, और उसके बाद इसके साथ फिर से नया टच। गर्म हो जाता है क्या? हाँ, पूरा गर्म होता है। 95 डिग्री। अच्छा, 95 से 105 तक करना पड़ता है। ये ला टूटा हुआ था तो टच को निकाल दिए, अभी डिस्प्ले को साफ करेंगे, इसके साथ नया। मतलब आपको ये कम खर्चे में पार हो जाएगा ना? हाँ, डिस्प्ले चेंज नहीं होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ, डिस्प्ले चेंज नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो फिर डिस्प्ले चेंज करना पड़ता है। उससे खर्चा, खर्चा कॉम्बो में ज्यादा खर्चा, 1500 से ऊपर में ही आ जाता है। अच्छा, और ये वाला 600-700 तक में काम बन जाता है। अच्छा अच्छा, मार्केट वाला हम लोग यही, जब पूरा साफ हो जाए उसके बाद इससे थोड़ा मंगा पड़ता है। अच्छा, क्या है सब कुछ हो जाने के बाद इसके थोड़ा किया जाता है। अभी जो है पूरा क्लीन हो गया है, और इसके बाद अभी हम लोग इसका जो फोन है उसमें लाएंगे, टच लाएंगे, फिर टच लगाएंगे, टच यहाँ से स्क्रीन सेपरेटर में रख के पूरा जॉइंट करेंगे, और उसके बाद फोन में सब लगाएंगे। कितना मिनट या घंटा लगाते हो इसमें, मशीन में? ज़्यादातर 2 से 3 मिनट में हमें 95 डिग्री तक लाना होता है। अच्छा, 95 डिग्री हो जाने के बाद हम कटना शुरू करते हैं, और उसके बाद जैसे ही कटिंग हो जाए उसको उठा देते हैं। तो इसको शुरू कब करिएगा उसको? अभी शुरू करना है? अभी शुरू नहीं करना है, इसका टच सर अभी लाना है। सर, टच आया नहीं हुआ है, उसके बाद। धन्यवाद।